Good evening, everyone. I, Kajal Mahato, on behalf of Society of Data Science, BIT Mestra, welcomes you all for this session. I have joined with a fellow colleague and president of our club, Nimish Tiwari. So today in our session, we have Mr. Sumit Malik, who is going to will be guiding students through grueling placement processes on interview preparation and placement guidance. Now I would hand over to Mr. Malik. Hi guys, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और बातें करनी स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, तो थोड़ा इंतजार कीजिएगा. आई थिंक मेरा स्क्रीन शेयर है आपके साथ. काजल, आप कंफर्म कर दीजिएगा कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं. Yes, sir, your screen is visible. ठीक है. जी, तो आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है. हम करते हैं, मैं एजेंडा पे रखता हूँ ये सारी चीजें. बहुत ही ब्रीफ में आपको इंट्रो दूंगा. एक सेकेंड. मैं बहुत ही ब्रीफ इंट्रो दूंगा आपको अपने बारे में. उसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग तरह की कंपनियां क्या हैं और उनके लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है. ठीक है, उन कंपनीज के बाद मैं आपको एक प्लान दूंगा जिससे हम तैयारी कर सकते हैं. और हम पेप कोडिंग में फ्री रिसोर्सेज बनाते हैं, तो आई विल टेल यू अबाउट द रिसोर्सेज दैट वी हैव क्रिएटेड. एंड फॉर टॉपिक्स जिसके लिए हमने अभी वीडियो नहीं बनाए हैं, उनके अच्छे रिसोर्सेज क्या हैं मैं आपको वो बताऊंगा. और बस अगर आप चैट पर कुछ पूछेंगे तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे एंड विल क्लोज अप. ठीक है, तो मेरा नाम सुमित है, अभी काजल ने भी इंट्रोड्यूस किया, और मेरी कंपनी पेप कोडिंग है. तो अंदाजा देने के लिए कि हम कौन से सेगमेंट में काम करते हैं, एग्जैक्ट अंदाजा लेने के लिए, तो हम लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स, कोडिंग ब्लॉक्स, कोडिंग निंजास, इन सब के सेक्टर में काम करते हैं. इन सबको अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं. ऐसा मैंने इसलिए बोला ताकि आप आसानी से समझ पाए कि हमारी क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या ऑफरिंग्स हैं. तो मेजरली दो दिशा में काम करते हैं हम. वेब ऑडियंस पढ़ाते हैं, और जो दो दिशा में काम करते हैं वो क्या है कि बच्चों को पढ़ाते हैं फीस लेकर, और दूसरा हम फ्री यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करते हैं यूट्यूब पर. और अपना गीक्स फॉर गीक्स और लीड कोड की तरह ही पोर्टल है जहां पर क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, तो वो वाला काम करते हैं. आवर कॉन्टेंट इज फ्री टू यूज, 100% फ्री टू यूज. दिस वन वर्क एंड अदर सर्विस दैट वी प्रोवाइड इज वी टीच पीपल. We train them and help them get placed. Training and placements, that is what we work on. ठीक है, ज़्यादा पुराने नहीं हैं. We came into being in December 2017. I started alone and now we have a team of 30. 30 लोग हम साथ हो गए हैं जो इस काम को करते हैं. और हम करीब 2000 के करीब बच्चा पढ़ाया है, जिसमें से 400 से ऊपर ज़्यादा बच्चे 20 लाख के ऊपर गए हैं. मतलब शुरुआत में Amazon, Microsoft इज अ कॉमन थिंग विच हैपेंस फ्रॉम हेयर. Amazon पे 60-70 बच्चे होंगे, Microsoft में 50 से ऊपर बच्चे होंगे. गूगल होने लगा है रिसेंटली, नाउ वी हैव 7 पीपल इन गूगल. गूगल में 7 सक्सेस हैं पेप कोडिंग की तरफ से. Microsoft, Amazon अब गिनना छोड़ दिया है, तो वो 50+ है, Amazon 70+ है. ठीक है, तो फेयर रिजल्ट हैं. अब इसमें कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जो DTU, NSIT और IGDTU के हैं, जहाँ पर कंपनीज आती हैं. और बहुत सारे रिजल्ट ऐसे भी हैं जहां पर कंपनियां भी नहीं आती हैं, टीयर 3 में भी, तो ऑफ कैंपस भी बच्चे प्लेस हो रहे हैं. और ये फ्री कंटेंट वाले बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे ज्यादातर वो हैं जो हमसे पढ़ते हैं हमारे बैचेस में, ऑनलाइन बैचेस में. ऑनलाइन बैचेस हम लाइव वेबिनार से, जूम से पढ़ाते हैं. नेवरदलेस अपने बारे में, तो नाउ फोकसिंग ऑन कि किस किस तरह की कंपनियां हैं, कोई लो हैंगिंग फ्रूट है क्या, तो उसके बारे में बात करेंगे. तो टोटल में 4 ग्रुप देखता हूँ कंपनियों के. पहला ग्रुप प्रॉपर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज,
फिर जो फंडेड स्टार्टअप्स हैं, इंडियन स्टार्टअप्स, फिर नॉन फंडेड स्टार्टअप्स, और फाइनली जो ग्रुप देखता हूँ उसमें स्पेशल ग्रुप बोलता हूँ, ठीक है। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे वही माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, अडोब, लिंक्डइन, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, ये सारी मैं ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी समझता हूँ। पैकेज सबका बढ़िया ही रहता है, 30 लाख ऊपर ही होता है, 30 लाख से ऊपर ऊपर स्टॉक्स और कैश मिलाकर। तो इनके लिए जो तैयारी मुझे करनी लगता है करनी पड़ती है बच्चे को, उसके अंदर डीएस एल्गो का सबसे ज्यादा बोलबाला है, 80% वो करना होगा। मतलब कोई बच्चा, उम्मीद करता हूँ वैसे ऐसा किसी के मन में होगा भी नहीं कि, पर अगर किसी के मन में है तो मैं फिर उन बच्चों के लिए क्लियर कर देता हूँ कि अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं वेब के या मोबाइल डेव करके माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करूंगा, तो दैट इज नॉट, आई डो नॉट थिंक इट इज वेरी प्रोबेबल। जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ वो अक्सर डीएसएलगो के थ्रू ही क्रैक करते हैं, उनके इंटरव्यूज भी डीएसएलगो प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड ही होते हैं। डेव कैन कॉन्ट्रीब्यूट ओनली 5-10%, जो प्रोजेक्ट्स वाला पार्ट है दैट इज वॉट इज डिपेंडेंट अपॉन डेव, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कोर इंस्टेड ज्यादा महत्व रखती है, 15%। कोर जिसको मैं कहता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क, सिस्टम डिजाइन, ऊप्स, ये 5 सब्जेक्ट। फंडेड स्टार्टअप्स जैसे जोमैटो, स्विगी, एक्सपीडिया, मतलब एग्जैक्टली माइक्रोसॉफ्ट वाली लाइन नहीं, उससे जो नीचे लेवल के प्रॉड बेस कंपनीज हैं, या उनको मैं स्टार्टअप्स कहता हूँ। अंदाजा ले लीजिए, जैसे मैंने जोमैटो, स्विगी, booking.com का नाम लिया, तो इससे अंदाजा ले लीजिए। तो ये डीएसएफ के बीच में बराबर बराबर सा स्प्लिट रखती हैं, कोर उतना नहीं मैटर करता, कोई डेफिनेट नहीं है ये नंबर्स, पर फिर भी कुछ इंडिकेटिव है। नॉन फंडेड स्टार्टअप्स वो हैं जो जो या तो बिल्कुल बस उनका सीड राउंड हुआ है या सीरीज ए हुआ है, फंडिंग हो तो गई है पर नाम नहीं हुआ इतना, तो इन कंपनीज के बारे में क्रंच बेस से आप पता कर सकते हैं। सम ऑफ देम आर रियली गुड, जनरली इनका इधर उधर किसी चीज पे इनको मतलब नहीं होगा, इनको डेव से बहुत मतलब होगा। स्पेशल ग्रुप में मैं AWS को रखता हूँ, AWS को, गूगल सपोर्ट को, जो कोर पर बेस्ड है सब कुछ। अगर कोई तुम में से गेट की तैयारी कर रहा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो AWS का एग्जाम जरूर दे, AWS के लिए जरूर इंटरव्यू में बैठे। तो अगर आपके गेट में 50 नंबर से ऊपर आने वाले हैं तो आप AWS पक्का क्रैक करने वाले हो, उसको डीएस से कोई खास वास्ता नहीं है, डेव से कोई खास वास्ता नहीं है, कोर से ही वास्ता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क से, ठीक है। तो ये है मेरे हिसाब से, किसी बच्चे को ये सारी अगर अपनी प्रोबेबिलिटीज अच्छी करनी है तो उसको इन सब का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो एक पुख्ता सा प्लान मैं आपको बना के दे देता हूँ। तो देखिएगा, आपका डीएस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और फंडेड स्टार्टअप दोनों में काम आएगा। डेव इसलिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि उसकी कंपनी जो फंडेड स्टार्टअप और नॉन फंडेड स्टार्टअप है वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जितना पैसा तो नहीं देती, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ कंपनीज है जो जिनको इसे मैप कर सकता है। कोर इसलिए इंपॉर्टेंट, इट इज अ लो हैंगिंग फ्रूट है। AWS भी 19 लाख का पैकेज देती है, थोड़ी 15-20 दिनों की तैयारी, अगर उससे आपको AWS मिल जाता है तो इट इज नॉट अ बैड थिंग टू हैव, ठीक है। तो डीएस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ कंपनीज दैट इट हेल्प्स यू टारगेट, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कंपनीज। डेव इज इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके ऊपर कंपनियां बहुत सारी बेस्ड हैं, फंडेड स्टार्टअप्स, नॉन फंडेड स्टार्टअप्स। कोर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज अ लो हैंगिंग फ्रूट फॉर दैट, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक प्लान दूं, मेरे हिसाब से ये प्लान बनता है बच्चे का, ठीक है, वेब और कोर। तो लेवल वन के अंदर मैं ये बोलता हूं 300 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। किसको मैं स्टैंडर्ड डीएसएल को क्वेश्चंस कहता हूं, जैसे जो कॉलेज के डीएस और एडा के कोर्स में होता है उस सबको मैं स्टैंडर्ड ही समझता हूं। जैसे कि अगर कोई फ्रैक्शनल नैपसैक की बात करेगा या इन क्वींस की बात करेगा या प्रिम्स, डाइकस्ट्रा, क्रूस्कल की बात करेगा तो मैं इनको 300 स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स में ही मानता हूँ। बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज, क्विक हीप, काउंट, रेडिक्स सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला लेवल बनता है, इसको तुम समझो कि ये तुम्हारी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स हैं। मतलब तुम ना अंदाजा देखे लिए बता रहा हूँ मैं तुम्हें, प्री ऑर्डर, फोर्स ऑर्डर, इन ऑर्डर, लेवल ऑर्डर, और जैसे ग्राफ्स की बात करूँ तो प्रिम्स, डाइकस्ट्रा, क्रूस्कल, ये सब बेसिक्स है। इसके बाद ही आप क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कर सकते हो। ये सब होने से पहले आपको ना लीड कोड पे जंप करना चाहिए, ना हैकर रैंक में, ना कोड शेफ पे, ना कोड फोर्सेस पे। अगर तुमने ग्राफ नहीं लगाया है तो इट इज टू सून टू गो कोड शेफ और कोड फोर्सेस और लीड कोड और हैकर रैंक। तो पहले सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने चाहिए कि आपके पास सारे टूल्स तो हों, सारे टूल्स हों, इससे पहले कि आप जाकर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो किसी पोर्टल के ऊपर, तो आपकी टूल सेट बड़ा होना चाहिए। लेवल टू में मैं कहता हूँ कि 600 क्वेश्चन आपको लीड कोड से कर लेने चाहिए। 600 क्वेश्चन सर, मैं कहता हूँ इजी छोड़ो, मीडियम हार्ड ले लो। और मीडियम हार्ड में ना अगर तुमको और कुछ नहीं सूझ रहा है तो एक छोड़ लो, एक कर दो, एक छोड़ लो, एक कर लो,
टोटल 1600 क्वेश्चन है लीड कोड के ऊपर, तो उसमें से इजी हटा दोगे तो तुम्हारे पास 700 बचेंगे, ठीक है, उससे शायद ज्यादा बचेंगे, 900 बचेंगे, उसमें एक छोड़ लो एक कर लो, या दो दो कर लो एक छोड़ दो, तो इस तरह से आप 600 लीड कोड क्वेश्चन रैंडमली चूज कर लो, तो दैट वुड गिव यू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इससे पता क्या होगा, अभी इंटरव्यूअर्स या मैं इनफैक्ट जब मैं ऐसी बात कर रहा हूँ तो मैं माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न और गूगल के इंटरव्यूअर्स की भी बात कर रहा हूँ, तो वो तुमसे ना 3-4 साल पुराने हैं डीएस की दुनिया में, तो वो अपने आप को बहुत सिंस जॉइनिंग माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न और गूगल वो खुद को बहुत ज्यादा अप टू डेट नहीं रख पाए हैं, सिंस देन काफी प्रोग्रेस हो गई है, तो वेयर डू दे पिक देयर क्वेश्चंस फ्रॉम, लीड कोड गिग्स फॉर गिग्स यहीं से उठाते हैं, थोड़ा बहुत कोड शेफ कोड फोर्सेस, तो अभी हम बाहर हैं, हम ज्यादा तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो 600 लीड कोड क्वेश्चंस करने के बाद यू कैन फेयरली थिंक कि उनके पास नए सवाल नहीं बचेंगे, अ लॉट ऑफ योर क्वेश्चंस वुड बी कमिंग फ्रॉम द पूल दैट यू हैव ऑलरेडी डन एंड व्हिच इज अ ग्रेट एडवांटेज टू हैव। अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज भी हुआ है पर तुमने सिमिलर लुकिंग क्वेश्चन किया हुआ है तो सर्टेनली तुम इंटरव्यू में जो एनालिसिस करने वाले हो वो और बच्चों के मुकाबले ज्यादा पक्का और पूरा एनालिसिस होने वाला है, इंटरव्यूअर इंप्रेस होने वाला है क्योंकि वो खुद उस एनालिसिस पे उतना भारी नहीं होगा अभी, ठीक है। फिर मैं फाइनली कहता हूं कि अब तुमको कोड शेफ कोड फोर्सेस भी कर लेना चाहिए। कोई मुझसे ये पूछता है कि भैया क्या कॉम्पिटेटिव नेसेसरी है, मैं कहता हूं कि नहीं नेसेसरी बेटा, कॉम्पिटेटिव इज नॉट नेसेसरी, लेकिन कॉम्पिटेटिव इज सर्टेनली बेनिफिशियल। कॉम्पिटेटिव करने से तुमको क्या फायदा मिलेगा, अगर मैं अमेजन की ही बात करूं तो अमेजन में लीड कोड के बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, कोड शेफ कोड फोर्सेस नहीं चाहिए अमेजन के लिए, लेकिन अगर तुम 100 डिफिकल्ट का क्वेश्चन रोजमर्रा में सॉल्व करते हो ना तो इंटरव्यू या स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर यू आर वेरी लाइकली कि तुम 80 डिफिकल्टी के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, मतलब उससे स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो तुमको आने वाला है। और कोड शेफ कोड फोर्सेस एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट तुम्हें ऐड करता है, वो ये ऐड करता है यू गैदर एक्सपीरियंस ऑन सॉल्विंग न्यू क्वेश्चंस ऑन द फ्लाई, कि तुम स्ट्रेस एड्रिनलिन कंट्रोल करने में तजुर्बेकार हो जाते हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ जाता है स्ट्रेस को मैनेज करने में। जैसे तुम्हारे जब तुम्हारा कॉलेज में कंपनी आएंगी तो तुम जब राउंड्स में बैठोगे तो क्या होगा, वो 2.5-3 घंटे का टेस्ट होगा, तुमको एड्रिनलिन हिट करेगा, कोई कोई बच्चा नर्वस होने वाला है, कोई कोई तो उसको काबू करके अच्छी परफॉर्मेंस निकालता है, कोई कोई उसको काबू नहीं कर पाता, उसके हाथ पैर कांप जाते हैं और वो जितना परफॉर्म करने वाला था उससे खराब परफॉर्म करता है। तो हाउ डज कोड शेफ कोड फोर्सेस हेल्प यू, अगर तुम कॉन्टेस्ट देने के आदि हो तो नाउ यू वुड हैव लर्नड हाउ टू चैनलाइज द नर्वस एनर्जी, और तुम्हारा ब्रेन भी ज्यादा तेज फायर करने लगेगा, ठीक है, तुम्हारे यू गेट एक्सपीरियंस एट सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम्स व्हाट आई वुड से दैट इज व्हाट यू गैदर व्हेन यू सॉल्व कोड शेफ एंड कोड फोर्सेस, यू कंट्रोल योर एड्रेनालिन बेटर। तो डीएस मैं ये बोलूंगा आपको ड्रीम कंपनीज के लिए आपको डीए करना चाहिए, वेब आप कर सकते हैं बैकअप कंपनीज के लिए, जैसे वही फंडेड स्टार्टअप्स नॉन फंडेड स्टार्टअप्स, अगर आप 10 से 20 लाख की कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं तो वेब इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट टूल सेट देयर। मर्न स्टैक इज वेरी हॉट, लास्ट ईयर मैंने बच्चों के लिए कंपनियां ढूंढी हैं उनको प्लेस कराने के लिए, मतलब जब मैं पेपकोडिंग में काम करता हूं तो ट्रेनिंग के साथ साथ प्लेसमेंट का काम भी करता हूं, तो जब प्लेसमेंट का काम किया तो मुझे मालूम पड़ा कि मर्न स्टैक के ऊपर बहुत रिक्वायरमेंट है। मैंने और भी देखे, फ्लटर देखा, रिएक्ट नेटिव देखा, एंड्रॉयड भी देखा, काफी सारी चीजें देखी, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि मैक्सिमम बैंग फॉर द बक ना भैया इसमें ही है, मर्न स्टैक में है, मोंगो एक्सप्रेस, रिएक्ट नोड, वेब आप कीजिए तो बहुत ज्यादा कंपनीज आप अपने लिए खोल लेंगे, प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़िया होगी कंपेयर टू एंड्रॉयड और डेटा साइंस और मशीन लर्निंग अनफॉर्चुनेटली। तो मर्न स्टैक इज हेल्पिंग अलॉट दीज डेज, और इसके लिए भी मैं तुमको एक आइडिया बड़ा सही बताऊंगा, इसमें ना आपको एक ट्रिक यूज करनी है, यूज डूइंग एज अ मीन्स ऑफ लर्निंग, डूइंग फॉर लर्निंग, मतलब चीजें बनाए बना बना कर सीखें। तो मैं क्या बोलता हूँ कि एंजेला यू का कोर्स उठा लो उडेमी से, बस उसी से तुमको नेसेसरी स्किल आ जाएगी, और उसके बाद ना ताबड़तोड़ अपने 5 क्लोन बना दो, जूम का क्लोन बना लो, इंस्टाग्राम का क्लोन बना लो, ओपन बोर्ड जिसपे मैं लिख रहा हूँ इसका क्लोन बना लो, गूगल शीट्स का क्लोन बना लो, ठीक है, गूगल ड्राइव का क्लोन बना लो। तो अगर तुम ये 5 क्लोन बना लेते हो और वो एंजेला यू का कोर्स कर लेते हो तो यू वुड नो इनफ थ्योरी एंड यू वुड बी फीलिंग मोर इन कंट्रोल ऑफ व्हाट यू कैन क्रिएट, ठीक है। हालांकि मैं बिल्कुल मानता हूं कि तुम्हारे रिज्यूमे में ये क्लोन्स वुड नॉट लुक गुड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, किसी एक आधे को पकड़कर उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स जो एग्जिस्ट नहीं करती वो फीचर्स एग्जीक्यूट कर दोगे तो दे वुड लुक लाइक प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो इनको अपने रिज्यूमे में एक एक्स्ट्रा सेक्शन डालो, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स,
एक डालो रियल प्रोजेक्ट, एक डालो प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स। तो प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स में ये लिख दो कि आई मेड अ क्लोन ऑफ जूम, मेड अ क्लोन ऑफ इंस्टाग्राम, मेड अ क्लोन ऑफ ओपन बोर्ड, मेड अ क्लोन ऑफ गूगल शीट्स, मेड अ क्लोन ऑफ गूगल ड्राइव। तो इससे क्या होता है, अगर आप इतने सारे क्लोन बना लोगे ना, नाउ यू वुड हैव एन एक्स्ट्रा थिंग टू डिस्कस इन योर इंटरव्यू। वो किसी ना किसी के लिए कहीं ना कहीं रेलेवेंट होगा। जैसे जूम जैसी ऐप बहुत सारे बिजनेस के लिए रेलेवेंट है। क्यू मैथ नाम का एक बिजनेस है, उन्होंने जूम जैसी फंक्शनैलिटी वो थर्ड पार्टी से यूज किया करते थे और उन्होंने लास्ट ईयर अपना खुद ही लिख लिया। तो when you would learn things like these and you would project that in your resume, you would have an extra point or two to discuss. बस ऐसा होना चाहिए कि तुमने खुद बनाया हो कि तुम उसके बारे में बात कर सको। कोर के बारे में ये पांच इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊप्स, सिस्टम डिजाइन, कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटाबेस। अब इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ बेटा, ये पोर्टल है मेरा, मतलब ना पेप कोडिंग का अपना यूट्यूब चैनल भी है, सब्सक्राइब कीजिएगा, काफ़ी कंटेंट हम बनाते हैं, मतलब बहुत सारे मतलब जो आप पेड कोर्सेज खरीदते हो वो सब हमारे यहाँ फ्री में है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, आप देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे मैं लेवल वन के 300 सवाल कहे थे वो प्रिंस रईसा कुरुस्कल वाले, तो ये लेवल वन मैंने बना रखा है, ऑल द वे टिल द ग्राफ्स सब कुछ बना रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप अंदर जाओगे, जैसे आपको ये ग्राफ साइक्लिक बायपार्टाइट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ये सारे क्वेश्चंस देखने हैं, ग्राफ कनेक्टेड है, नंबर ऑफ आइलैंड्स, पॉपुलर क्वेश्चन, हैमिल्टोनियन, नाइट्स, ऑल आर पॉपुलर क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर आप जाओगे शॉर्टेस्ट पाथ इन वेट, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुमको यहाँ क्वेश्चन मिलेगा लीड कोड की तरह, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एंड यू मस्ट सॉल्व इट। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो सोल्यूशन टैब पे जाइए और मैंने सोल्यूशन आपको दे रखा है, ठीक है। तो मतलब मैं लीड कोड से ज्यादा प्रीमियम यहाँ करने की क्या कोशिश की है, लीड कोड के ऊपर आपके पास भाई सॉल्यूशन की वीडियो तो नहीं होती ना पर क्वेश्चन, मेरे यहाँ पर क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन की वीडियो मिल जाएगी और नीचे ऑफ कोर्स वो कोड सॉल्यूशन भी दिया होगा। तो आई थिंक अ पिक्चर इज वर्थ 1000 words एंड अ वीडियो इज वर्थ 1,000,000 words। तो एक वीडियो से जितना अच्छा मैं समझा सकता हूँ उतना अच्छा मैं किसी आर्टिकल से नहीं समझा सकता हूँ। तो व्हाट आई हैव डन इज कि मैं हर क्वेश्चन के ऊपर ये जो पूरा ऑनलाइन जावा फाउंडेशन बनाया है, मैंने लेवल वन बनाया है, इसके अंदर आप प्रिकॉशन पढ़ के देखिए, डीपी पढ़ के देखिए। जैसे मैं जिसे बेसिक्स कहता हूँ उसमें भी मेरे पास डीपी के 30 क्वेश्चंस हैं टोटल। अगर आप पेप कोडिंग के ऊपर आकर डीपी करना चाहोगे तो भी वो 100 questions। अब 100 questions डीपी कर लीजिए, आप बहुत सारी चीजों के लिए तैयार हैं। 100 questions डीपी करने के बाद अमेजन के लिए आप बहुत अच्छे तैयार हैं, ठीक है। तो ये मेरा लेवल वन है जो मैंने आपको अभी बताया था, 300 standard questions, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नेट के ऊपर पड़ा है, पेप कोडिंग की साइट के ऊपर। आप आइए, कोड सबमिट कर सकते हैं लीड कोड की तरह, और आप वीडियोस जहां फंसेंगे वहां वीडियो सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। सिमिलरली अभी मैं लेवल 2 बना रहा हूं। अगर आप क्वालिटी देखना चाहते हैं तो देखिए, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है आपको क्वालिटी बताने का, अपने मुंह से तारीफ करूंगा तो तुम्हें यकीन भी नहीं आएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप इसकी क्वालिटी देखना चाहते हैं तो मेरा बिट मैनिपुलेशन का, मैंने लेवल 2 का बिट मैनिपुलेशन बनाया। लेवल 1 हो सकता है किसी किसी के लिए बेसिक हो, तो लेवल 2 का बिट मैनिपुलेशन चेक करके देखिएगा। सिर्फ 30 questions हैं और इन्हीं क्वेश्चंस का आप गीक्स या लीड कोड पे ट्रीटमेंट देखिए और मेरा क्या हुआ ट्रीटमेंट देखिए। मैं ऐसा कहता हूँ मैंने काफी सुपीरियर ट्रीटमेंट किया है। जैसे मैं एक एग्जांपल क्वेश्चन ही बोल सकता हूँ, ऑल रिपीटिंग 3 times except 1। इसका आप गीक्स पर जाके सोल्यूशन पढ़िए, कुछ समझ नहीं आता, और मेरा लिखा हुआ सोल्यूशन देखिए, आपको कुछ फर्क दिखाई देगा। सिमिलरली जोसेफस प्रॉब्लम, गीक्स पर सिर्फ ये बता दिया गया ऐसा करना है, ये नहीं बताया ऐसा क्यों करना है। आई हैव माई रीजंस इन प्लेस कि ऐसा करना है और ऐसा करने से क्या होगा, तो मैंने अच्छे से अपनी तरफ से समझा रखा है। आप देखेंगे तो अब मैं तारीफ करूंगा अपनी तो नुकसान मेरा ज्यादा होगा, आप जज कीजिए कि मैंने अच्छा बनाया है या नहीं बनाया है। लेवल 2 के बाद सिमिलरली अभी हम लेवल 3 बनाएंगे। अभी पेप कोडिंग लेवल 3 पूरा बनाया नहीं है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। बाय द टाइम वी विल फिनिश लेवल 1 and 2, वी वुड बी डन बाय लेवल 3। सिमिलरली हमारा इसके नीचे वेब डेव होगा, ठीक है। तो आप जुलाई 31 अगर तैयारी कर रहे हैं तो जुलाई 31 तक पेप कोडिंग ये सारा कॉन्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पोर्टल पर बना के डाल देगी। वट डू वी गेन आउट ऑफ इट, कि जब जैसे आप लोग इसे यूज करना स्टार्ट करते हो, हमारे यूजर्स बढ़ते हैं, तो मैं तो साफ सी बात आपको तो पता भी होगा ये वाली बातें। तो जैसे जैसे यूजर बेस बड़ा होता है, ठीक है, तो इट बिकम्स इजियर फॉर मी टू गेट फंडिंग। तो जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, अभी पेप कोडिंग के पास कोई इन्वेस्टर नहीं है, तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी ये देखते हैं कि भाई तुम्हारा स्केल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कि तुम्हारे पेड या अनपेड कस्टमर बढ़ रहे हैं। कस्टमर इन द सेंस हमेशा पेड कस्टमर होना जरूरी नहीं है, क्या तुम्हारे यूजर बेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जो तुम्हें यूज करते हैं वो लोग बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो दैट इज वॉट इज देर इन इट फॉर मी। अगर तुम्हारा ये जानने का मन है कि वाई इज पेप कोडिंग डूइंग इट फॉर फ्री, तो ऑफकोर्स टू इंक्रीज आवर स्केल सो दैट मोर कस्टमर्स पेड और अनपेड यूज आवर सर्विसेज,
तो अगर मैं वो चीज दिखाता हूँ तो दैट हेल्प्स मी रेज फंड्स। उसके बाद अगर आप ऑफ कोर्स देखिए बिजनेस सेंस में इसमें होती ही है, अगर तुम मेरा ये फ्री प्रोडक्ट यूज करोगे तो हो सकता है किसी को इतना पसंद आए कि वो कहे कि सर आई वुड लाइक टू अवेल द पेड सर्विसेज एज वेल, तो दैट इज व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी। ऐसा मेरा फायदा है। आप लोगों का फायदा क्या है, मैं आपको सच में हाथ जोड़कर ये विनती करके बताता हूँ कि कॉन्टेंट जेन्युइनली अच्छा है, कॉन्टेंट जेन्युइनली अच्छा है इन द सेंस कि जैसे वीडियोज आजकल यूट्यूब पर काफी सारी आ रही है, काफी सारे बच्चे बना रहे हैं, लेकिन जैसे मैं एक सवाल ट्रीट किया था काउंट डिस्टिंक्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस, मैंने उस सवाल की वीडियो 1 घंटा 40 मिनट बनाई है, इतने की तो मूवी हो जाती है, इतनी लंबी वीडियो बनाई है। तो बहुत सारे लोग ये भी, काफी सारे लोगों को एतराज भी आएगा इस बात से कि सर इतनी लंबी वीडियो है, आई एम नॉट एबल टू लास्ट टिल द एंड, मेरा इंटरेस्ट बीच में टूट जाता है। लेकिन कुछ कुछ बच्चा ऐसा होगा जिसको वो वीडियो बहुत सूट करेगी, बहुत सूट करेगी। तो आप एक बार देखें, आजमाएं, आपका खुद का मन बनेगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये 5 चीजें, ये चीजों की वीडियो, ये पूरा बन चुका है मेरा, ये दिस इज डन एंटायरली, ये 50% डन है एंड ये अभी 10% स्टार्ट हुआ है। बाय July 31 वी वुड बी डन विद ऑल ऑफ इट, आल्सो विद दिस एंड दीज। तो आपको सबके सही सबका सब आपको पेपकोडिंग के चैनल पर मिल जाएगा। मेरी आपसे यही प्रार्थना रहेगी कि आप उसे इस्तेमाल करें, और मैं इनफैक्ट आप लोगों को एनकरेज करने के लिए कि आपको ये इस्तेमाल करने से फायदा हो, इसके लिए हम ये भी कर रहे हैं कि इफ यू फिनिश ऑल 1200 क्वेश्चंस ऑफ लेवल 1, 2, 3 तो आप मुझे मेल लिख सकते हैं। एंड आई आल्सो हैव, मैंने बताया था मेरे 400-500 बच्चे प्लेस्ड हैं बड़ी कंपनियों में, अमेज़न में भी है, माइक्रोसॉफ्ट में भी, लिंक्डइन में भी, एडोब में भी है, न्यूटनिक्स में भी है, गूगल में भी है, तो आई कैन गेट यू रेफरल्स, मैं आपको रेफरल दिला सकता हूं अगर आप मेरे पोर्टल से आप सवाल सॉल्व करते हैं और मुझे प्रूफ भेजते हैं कि भैया ये मेरा यूजर आईडी है और आप चेक कर लीजिए मैंने आपके किए हुए सारे 1200 सवाल सॉल्व किए हैं, तो मैं मेरे नेटवर्क को लीवरेज करते हुए आपको रेफरल्स दिला सकता हूँ ऑफ कैंपस के। तो दैट इज व्हाट आई कैन सर्टेनली डू। ऐसा मैं इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, मैंने ये बच्चे मैंने खुद पढ़ाए हैं, ये बच्चे वैसे नहीं है कि मेरे सिस्टम में पढ़ लिए और मैंने जानता नहीं हूँ, ये वो बच्चे हैं जो मेरी क्लास में मेरे सामने बैठ कर मुझसे पढ़ कर गए हैं। तो ये वो बच्चे हैं कि अगर मैं इसे बोलूँ कि भाई इसका रेफरल लगा दे, और ये अगर रेफरल लगाने में आता है तो मैं ऑफेंड हो जाऊंगा, मुझे दुख होगा कि मैंने बच्चे को पढ़ाया था और सुनो सोच के देखो ये बच्चा मेरे कहने पर जल्दी से रेफरल नहीं लगा रहा, तो मैं ऑफेंड हो जाऊंगा। तो ये बच्चे मेरा मान करते हैं, अपनी बारी में मैंने इनके लिए बहुत मेहनत की हुई है, मैंने अपने काम रोक के इनके लिए आउट ऑफ द लाइन काम किया हुआ है, अब मैं यही उम्मीद भी करता हूँ कि ये मेरे लिए आउट ऑफ द लाइन काम करेंगे। तो इससे मुझे क्या मदद मिलेगी, मैं आप लोगों के लिए वो जुटा पाऊंगा, रेफरल जुटा पाऊंगा। तो मैंने अपने हिस्से की बातें कह दी हैं, अगर आपके पास कोई सवाल है मेरे लिए तो आई लव टू टेक इट। स्क्रीन का शेयर हटाता हूं और इंतजार करता हूं, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच सर, इट वाज वेरी इलैबोरेटिव एंड इंफॉर्मेटिव एज वेल, सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आई वुड टेल यू, सो लेट्स लुक फॉर सम क्वेश्चंस नाउ। ठीक है काजल, अगर कोई सवाल नहीं है बच्चों के पास तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ये लिंक पास कर देता हूँ, ये 2 लिंक्स मैं आपको पास करना चाहूंगा, एक तो लिंक है ये उनकी साइट का, ठीक है, और दूसरा जो मैं आपको लिंक भेजना चाहता हूँ ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का है, तो जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनको अगर कभी सिंक करना होता है तो डाउट वाउट वो अपने टेलीग्राम ग्रुप से क्लियर करा सकते हैं। तो मैंने आपको ये दोनों लिंक भेज दिए हैं, आप अपनी कम्युनिटी से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर, आपने मुझे अपनी कम्युनिटी से बात करने में हेल्प किया, आई एम रियली ग्रेटफुल एंड इट्स लवली टू कम ओवर एंड टॉक टू यू फाइन गाइस। अच्छा, और अगर मुझे ये वीडियो की ये YouTube वीडियो का लिंक मिल सकेगा तो वो भी बहुत सही रहेगा। थैंक यू सो मच। श्योर सर, वी विल गिव यू द लिंक एज वेल। जी बेटा, तो आई विल क्लोज इट डाउन फ्रॉम माय साइड, अगर आपको आपको कुछ सवाल पूछने हो तो आप पूछ सकती हैं। ओके सर, so sir thank you sir for sharing your knowledge with us and briefing us about the procedures involved in interviews and placement. I hope everyone is well satisfied with this presentation of yours. So let's just conclude today's session. Bye to all and thank you very much sir. Yeah, thank you so much beta, bye bye.